हेलो टेंथ क्लास, दिस इज़ योर हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया. वेल, इन द प्रीवियस वीडियो आई जस्ट गेव यू द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ वॉर. नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ. डिफेंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिफेंस का क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था, तो उन्होंने उस चीज़ को कवर करने के लिए इंडिया में जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं ये वो सब वो बढ़ाना शुरू कर दिया. उधर से फूड शॉर्टेज थी क्योंकि फेलियर ऑफ मानसून और क्रॉप्स जो थी वो नहीं अच्छा हुआ था, तो कमोडिटीज़ खास करके फूड कमोडिटीज़ जितनी थी सबकी प्राइसेस बढ़ गई. फोर्सिबली रिक्रूटमेंट की हमने बात की, क्रॉप फेलियर की हमने बात की, एपिडेमिक्स की हमने बात की. सो दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन गांधी जी ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, 1950 में गांधी जी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का लेके आते हैं आइडिया. और सत्याग्रह नॉन वायलेंस जो था, गांधी जी का एक बेसिक था कि व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, व्हेन यू द कॉज इज़ ट्रू एंड व्हेन द कॉज इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस, देन आपको मास एजिटेशन करना चाहिए बट पीसफुली. वायलेंट होके किलिंग्स करके टॉर्चर देके ही वॉज डेडली अगेंस्ट इट. वो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, उनका बेसिक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, ट्रूथ. ठीक है, सो हैविंग अ मास एजिटेशन ऑन दीज टू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दैट वॉज द सिस्टम ऑफ गांधी जी, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था. सत्य, सत्य मीन्स सच, दैट मीन्स ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ. एंड ट्रूथ से हम आग्रह कर सकते हैं किसी को, शांति से पीसफुली हम किसी को आग्रह कर सकते हैं कि दीज आर आवर डिमांड्स, सो फुलफिल. And here also, as I told you, that when from South Africa Gandhi ji returns in 1915, आते ही उन वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर रहते हुए भी कुछ आवाज़ उठाई थी, जिसके लिए उनको कुछ कुछ सफ़र भी करना पड़ा. बट एनी हो, वो इस माइंड सेट के साथ जब इंडिया में आते हैं तो आते ही उन्होंने 1960 में बिहार में चंपारण में जो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट फार्मर्स को प्रेस किया जा रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई. इंडिगो प्लांट्स ब्लू के लिए वो अपनी वहाँ पे अपना डाइंग इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनको चाहिए होता था ब्रिटेन को, तो वो फोर्सिबली फोर्स करते थे किसानों को, तो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया. देन इन 1917, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, गुजरात के खेड़ा गांव में उन्होंने आवाज़ उठाया बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू कलेक्शन. पीपल दे वर नॉट इन ए कंडीशन टू पे द टैक्सेस, टू पे द रेवेन्यू. ठीक है, उनकी कंडीशन वर्स्ट थी, एपिडेमिक से प्लेग फैला था, बहुत सारी डेथ्स हुई थी. ठीक है, नियर अबाउट अगर हम डाटा देखें तो 1920-21 में नियर अबाउट 12-13 million डेथ्स हुई थी. सो एज इंडियंस दे वर नॉट इन ए पोजिशन कि वो टैक्स पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट जो कलेक्शन वो करते थे वो कर पाएँ, करवा पाएँ, तो गांधी जी ने उनको भी सपोर्ट किया. देन गुजरात में ही अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की सपोर्ट में भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया इन 1918. सो यू मस्ट नो ऑल दीज डेट्स, यू मस्ट नो ऑल दीज कॉजेज जिसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, एंड यू मस्ट नो ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे इस काइंड का जो गांधी जी ने एक मूवमेंट जो था वो चलाया. ठीक है, पूरा मास एजिटेशन चलाया उन्होंने, और मतलब उनका था कि शांति से पीसफुली विदाउट अग्रेसिव हुए, विदाउट वायलेंट हुए, वी कैन रेज अवर वॉइस इन ए बेटर वे. व्हाई? बिकॉज आवर कॉज इज राइट, आवर कॉज ऑफ दिस फाइट इज राइट. So we will follow the path of truth also, we will follow the path of non-violence also, and we will raise our voice also. ठीक है, so this was how Gandhiji started Satyagraha. Next, in the next video, thank you.